100 दिन से अंतरिक्ष में फंसे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और एस्ट्रोनेट सुनीता विलियम्स अमेरिका में होने वाले चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। ऐसा उन्होंने स्पेस स्टेशन से किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बता दें, 100 दिन से अधिक अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विलमोर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अमेरिका में होने वाले चुनाव को लेकर पत्रकारों के सवाल पर कहा, उन्होंने आज ही वोट देने से जुड़ी चुनावी प्रक्रिया शुरू की है। यह एक जरूरी ड्यूटी है। नासा इस पर काम कर रहा है कि कैसे हम वोट दे सकें। सुनीता विलियम्स ने आगे कहा, वह स्पेस से वोटिंग करने के लिए उत्साहित हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कोई ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चुनाव में वोट कैसे डाल सकता है। दरअसल जिस तरह से अमेरिका से बाहर रह रहे नागरिक शामिल होते हैं, उसी तरीके से स्पेस से वोटिंग की जाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें एब्सेंटी वैलिड हासिल करने के लिए फेडरल पोस्टल कार्ड एप्लीकेशन भरनी होगी। इसे हासिल करने के बाद वह ISS के कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक बैलेट भर सकती हैं। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं होगा जब कोई स्पेस स्टेशन से वोट करेगा। इससे पहले सन 1997 में भी स्पेस से चुनाव में भाग लिया गया है और वोट डाला गया है। सबसे पहले अमेरिका के डेविड वुल्फ ने स्पेस से वोटिंग की थी। बता दें, सुनीता विलियम्स और बुच ने 5 जून को स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वे 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे थे। उन्हें 13 जून को वापिस आना था, लेकिन नासा के बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण इनकी वापिस टाल दी गई। अब दोनों के 2025 में ही वापिस आने की संभावना है, लेकिन अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होने वाला है। चुनाव में हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए स्पेस में फंसे सुनीता विलियम्स के वोट डालने की व्यवस्था नासा विशेष तौर पर कर रहा है।